अरे अंकिता, तुमने मुझे देख के दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे वो मैं पूरी तरह से रेडी नहीं हुई ना, इसलिए। तो क्या हो गया? तुम जैसी भी हो, मुझे बस एक बार तुम्हें देखना है। अरे पागल हो क्या? थोड़ा सबर करो, फिर पूरा देख लेना। बेबी बस सबर ही तो नहीं हो रहा, और तुम्हें पता है मैं बहुत खुशनसीब हूँ जब तुम मेरी लाइफ में आई हो, और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि मेरी तुमसे शादी होने वाली है। यकीन तो करना पड़ेगा ना, मैं सच में तुम्हारी होने वाली हूँ। अच्छा कोई नहीं, तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और हाँ थोड़ा जल्दी आना, मुझसे वेट नहीं हो रहा। थैंक गॉड। ओके बेबी बाय। तुम कहाँ जा रही हो? अरे यार ईशान को कॉल कर लेता हूँ। करण का फोन है। वो क्यों फोन कर रहा है? अरे पागल है, ऐसे फोन करते रहता है मुझे। उसे छोड़ दो, इधर आओ। ईशान का कॉल यहाँ क्यों बज रहा है? मेरा बेहम होगा। तुम्हें पता है अब मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हम एक हो गए। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? कुछ नहीं, सब देख रहे हैं ना। ओह ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ज्यादा नहीं कर रही थी मैं, क्या करूँ, पता नहीं क्या है इसे। ठीक है देख के जरा, काफी महंगी लग रही है, आखिरी में तो हमारी होगी। और ईशान भाभी कैसी लगी तुझे? भाभी अच्छी, बहुत अच्छी है। अच्छा वैसे यार नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, सोच रहा हूँ अंकिता को लेके हमेशा हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो जाऊँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, और साथ के साथ जो मेरा बिजनेस है वो भी सारा दुबई में शिफ्ट कर दूँगा। क्यों, कैसा है मेरा प्लान? अच्छा है। और हाँ तू भी आता रही हो मुझसे मिलने? हाँ हाँ श्योर श्योर। हेलो, क्या सच बता? ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ, परेशान भी लग रहा, बता दो सही। यार वो मेरी कंपनी में आग लग गई, सब कुछ जल के खाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ तो बचा होगा। यार मैंने बोला ना। क्या हो गया, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? अरे ये बेवकूफ कह रहा है किसी कंपनी में आग लग गई है। क्या? हाँ अंकिता मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी कंपनी में आग लग गई, मैं बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे, तुमसे शादी करनी थी, दुबई शिफ्ट होना था, सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक नंबर के निकम्मे इंसान हो। शुक्र है तुम्हारा शादी से पहले ही हाल हो गया, वरना शादी होने के बाद तो मैं दर दर की ठोकरें खाती रहती। और हाँ पकड़ो अपनी सड़ी सी अंगूठी, कोई और हाथ ढूंढ लेना इसके लिए। अंकिता तुम ये क्या कह रही हो, आज मैं रोड पे आ गया तो तुम मेरा साथ छोड़ रही हो, और हमारे प्यार का क्या? प्यार वो भी तुमसे? मैं सिर्फ इससे प्यार करती हूँ, ये है मेरा लाइफ पार्टनर। चलो बेबी अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। एक मिनट, क्या है अब? ये जो मैंने अभी बोला है ना, ये तो बस एक छोटा सा मजाक था। मजाक? कैसा मजाक? बताता हूँ, मुझे तुम दोनों के बारे में थोड़ी देर पहले सब पता लग गया कि तू मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से प्यार करती है।
हो सकता है मेरा वहम होगा। एक बार फिर से मिलाता हूँ। ये क्यों फोन कर रहा है? पता नहीं पागल है। अरे यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी इस गधे से हो रही है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी इससे हो रही है। तो कहाँ तुम और कहाँ ये पागल? अगर इसके पास इतना पैसा नहीं होता ना तो मैं इसके आसपास भी नहीं भटकती। कोई नहीं बेबी, बस एक बार तुम्हारी शादी फिर मैं इसके सारे पैसे लेके हम दोनों कहीं बाहर सेटल हो जाएंगे। और वैसे भी ये मेरे प्यार में पागल तो है ही। और मैं तुम्हारे प्यार में। और हाँ, मेरी किस्मत ना बहुत अच्छी थी जो मुझे तुझ जैसी नहीं मिली। और रही इस अंगूठी की बात, तो इसके लिए तो मैं कोई और हाथ ढूंढ ही लूंगा जो कि तुझसे अच्छा हो। अब तुम दोनों निकलो यहां से, इससे पहले कि मेरे गार्ड तुम्हें धक्के मार के निकाल दें।